नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी मोटर टॉशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया में 50% से ज़्यादा लोग जो है मारुति सुजुकी की गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे में जिन लोगों का बजट 6 से 7 लाख के बीच में है, वो लोग मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI और बलेनो डेल्टा को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। तो जैसा कि आप सब ने टाइटल में देखा होगा, आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे डिस्कस करने वाला हूँ 5 ऐसे पॉइंट जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी वजह से मैंने स्विफ्ट के बजाय बलेनो को खरीदा। और अगर आप भी इन दोनों गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। इस वीडियो को ध्यान से सुने, हो सकता है कि आपके लिए भी ये पॉइंट उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जितने कि ये मेरे लिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। तो यहाँ अगर हम बात करें मारुति सुजुकी स्विफ्ट की, तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसके वर्टिकल पिलर्स जो हैं इसको एक SUV-ish लुक देते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो लुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा दिखने में अच्छी लगती हैं और बहुत से लोगों को जो है मारुति सुजुकी स्विफ्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और वहीं अगर हम बात करें बलेनो की, तो बलेनो का जो लुक है वो एक हॉट हैचबैक की तरह है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद है। और वहीं अगर हम बात करें इसके फ्रंट डिज़ाइन की, तो फ्रंट में इसमें हमें मिल जाते हैं प्रोजेक्टर्स। डेल्टा वेरिएंट से ही हमें प्रोजेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं और LED लाइट गाइड्स देखने को मिल जाती है। और साथ में इसका जो टायर साइज है वो बड़ा है, जिसकी वजह से ये गाड़ी और भी मस्कुलर लगती है और इसकी लुक्स को और की और भी ज़्यादा एनहांस कर देती है। तो दोस्तों, यहाँ दोनों ही गाड़ियों का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दोनों ही गाड़ियों का डिज़ाइन एक दूसरे से बढ़कर है। हालांकि डिज़ाइन जो है हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है और इन दोनों गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी का डिज़ाइन सिलेक्ट करना एक काफ़ी मुश्किल टास्क है, और जो कि मेरे लिए भी था। और मैंने जो है बलेनो को प्रेफर किया क्योंकि मुझे अपने बजट में बलेनो डेल्टा में प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और बिगर टायर साइज मिल रहा था, जिसकी वजह से मैंने बलेनो को प्रेफर किया। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इन दोनों ही गाड़ियों में से किस गाड़ी का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा, मारुति सुजुकी स्विफ्ट या फिर बलेनो, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो गाड़ी दिखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। और इन दोनों ही गाड़ियों के डिज़ाइन को लेकर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो आपके कमेंट करने से उन लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी जो लोग इन दोनों ही गाड़ियों को लेकर कन्फ्यूज हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और बात करते हैं सेफ्टी की। तो दोस्तों, दोनों ही गाड़ियां मारुति सुजुकी के हटैक प्लेटफॉर्म पर बनी है। दोनों की मेकर कंपनी है वो एक ही है, पर यहाँ अगर हम बात करें बलेनो की, तो बलेनो जो है उस वैसे तो दोनों ही गाड़ियों का जो हटैक प्लेटफॉर्म है उसका फीडबैक इतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें बलेनो की, तो बलेनो ने सेफ्टी रेटिंग में 3 स्टार जो है स्कोर किया है। और वहीं अगर हम बात करें स्विफ्ट की, तो स्विफ्ट को 2 ही स्टार मिले हैं। और ये भी बताया गया कि जो स्विफ्ट का स्ट्रक्चर है वो उतना सेफ नहीं है, उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। और वही अगर हम बात करें बलेनो की, तो बलेनो यहाँ थोड़ी सी बेटर है सेफ्टी में स्विफ्ट से। तो ये भी एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से मैंने मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बजाय बलेनो को प्रेफर किया। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की और स्पेस की। तो यहाँ अगर हम बात करें बलेनो की, तो आप सबको पता ही होगा बलेनो में हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। बलेनो जो है वो साइज़ में बड़ी है स्विफ्ट से। लेंथ की बात करें तो लेंथ में जो बलेनो है वो 155 mm ज़्यादा है स्विफ्ट से। और वही अगर बात करें विड्थ की, तो विड्थ में भी 10 mm बलेनो ज़्यादा है स्विफ्ट से, जिसकी वजह से रियर में थोड़ा सा ज़्यादा कम्फर्टेबली 3 लोग बैठ सकते हैं। और इसके अलावा बात करें व्हील बेस की, तो व्हील बेस में भी बलेनो जो है 70 mm ज़्यादा है स्विफ्ट से, जिसकी वजह से पीछे हमें नी स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और अगर हमें लॉन्ग ड्राइव पे जाना है फैमिली के साथ 5 लोगों के साथ, तो जो बलेनो है उसमें उतना कंजेस्टेड फील नहीं होता इसके साइज और व्हील बेस के कारण। और इसके अलावा अगर हम बात करें बूट स्पेस की, तो हमें अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है मारुति सुजुकी बलेनो में, जिसमें हमें 339 liters का बूट स्पेस मिल जाता है। और वहीं अगर हम बात करें स्विफ्ट की, तो स्विफ्ट में हमें 268 liters का बूट स्पेस मिलता है। ऐसे में अगर हम बलेनो में लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो काफ़ी फायदेमंद होता है, काफ़ी स्पेस मिल जाता है हमें इसके बूट में। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फीचर्स की जो हमें बलेनो में तो मिल जाते हैं लेकिन स्विफ्ट में नहीं मिलते। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फीचर है और जो कि मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो इसका ऑटो AC बलेनो में हमें मिल जाता है ऑटो AC, और स्विफ्ट में हमें मिलता है मैनुअल AC। तो ऑटो AC फीचर्स की एक खास बात यह है कि जब भी गाड़ी का जो टेम्परेचर है मेंटेन हो जाता है, तो इसका कंप्रेशर अपने आप ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से इंजन को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। और AC में भी जो माइलेज है, माइलेज में उतना इम्पैक्ट नहीं आता जितना कि मैनुअल AC में। तो मैनुअल AC में जो है पूरा टाइम कंप्रेशर ऑन रहता है, लेकिन ऑटो AC में जो है कंप्रेशर ऑफ हो जाता है। साथ में हमें मिल जाता है नया अपग्रेडेड इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें हमें टच बटन्स देखने को मिलते हैं जो कि हमें स्विफ्ट VXI में देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा हमें बलेनो डेल्टा में मिल जाते हैं प्रोजेक्टर हेडलाइट्स विद LED लाइट गाइड्स, जो कि हमें स्विफ्ट VXI में देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा हमें मिल जाते हैं रियर हेडरेस्ट और 60-40 रियर सीट्स स्प्लिट रेशियो, और हमें मिल जाते हैं इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल रियर व्यू मिरर्स, जो कि हमें स्विफ्ट VXI में देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा हमें रियर में डीफोगर और वाश वाइपर भी देखने को मिल जाता है बलेनो डेल्टा में। इसके अलावा टिंटेड ग्लास और रियर स्पॉयलर जैसे फीचर्स भी हमें मिल जाते हैं बलेनो डेल्टा में।
इसके अलावा अगर हम बात करें स्विफ्ट VXI की, तो इसमें भी हमें कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि हमें बलिनो में देखने को नहीं मिलते, और कुछ ऐसा एक इंपॉर्टेंट फीचर जो कि हम बाहर से ऐड भी नहीं करवा सकते, वो ये कि इसमें हमें ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है जो कि हमें बलिनो में नहीं देखने को मिलती। इसके अलावा कुछ ऐसे छोटे फीचर जो हम बाहर से ऐड करवा सकते हैं वो ये कि इसमें हमें एंटी थेफ्ट अलार्म मिल जाता है और डे नाइट रियर व्यू मिरर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें तो बलिनो में हमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स और स्पेस मिल जाता है। तो बात करें प्राइस की, तो स्विफ्ट VXI का जो प्राइस है वो 6.14 लाख है एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली, और वहीं अगर हम बात करें बलिनो की तो बलिनो का एक्स शोरूम प्राइस है 6.36। तो यहाँ जो प्राइस डिफरेंस है वो दोनों गाड़ियों में ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप 6 से 6.5 लाख की गाड़ी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे में 20-22 हज़ार में अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स और एक्स्ट्रा स्पेस देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में मैंने बलिनो स्विफ्ट की बजाय बलिनो को ही प्रेफर किया, बलिनो डेल्टा को। तो दोस्तों ये था इन दोनों ही गाड़ियों के बीच में कंपेरिजन, और आपकी क्या राय है इन दोनों ही गाड़ियों को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, फायदेमंद लगी हो, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए ये 3 चीज़ें करना बिल्कुल मत भूलिएगा जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।